हेलो गाइस, मैं खाना खजाने से आंसू कट कर वेलकम टू खाना खजाना ब्लॉग, न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ गाइस। और मैं आज आपको बताने वाली बच्चों के लिए चटपटा जूस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं आपको तो वो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन ये जूस हेल्दी होता है और बच्चों के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। और इसको हम स्टॉक में भी रख सकते हैं, फ्रिज में जब चाहे तब आप निकाल कर पी सकते हैं, और ये अच्छा होता है। तो ये है आम, कच्चा आम आता है ना वो, और ये धनिया है, ये पुदीना है, ये जीरा है, ये चाट मसाला है, और ये नमक है, और ये सूखे मिर्ची का भुक्का है, और ये आइस बर्फ है, ये पानी है। तो स्टार्ट करती हूँ। पहले लेना है आम, जो मैंने पहले से कट करके रखा है छोटे छोटे पीसेस में, एक कटोरी आम। और फिर इसके अंदर डालना है एक चम्मच जीरा, फिर इसके अंदर डालेंगे धनिया, फिर डालेंगे पुदीना। पुदीना बहुत सारा डालें, ये अच्छा होता है खाने के लिए और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर हम डालेंगे चाट मसाला 2 चम्मच, नमक हम हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब से डालेंगे, जैसे कि आपको कैसे पसंद है उसके टाइप में। और थोड़े से डालेंगे मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चों के लिए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे आइस, जो कि बारीक होने के बाद ब्लैक ना पड़े इसके लिए। हमने आइस भी डाला है और थोड़ा सा पानी भी मिलाइए, क्योंकि ये जल्दी से ग्रेवी हो जाती है, इसके लिए पानी ज़रूरी है। तो गाइस देखो, फाइनली जूस बन गया है, लेकिन इसको एक और काम है, इसको छान के फिर हमको पीना है। और फिर थोड़ा खट्टे के लिए और एक नींबू का रस डालेंगे, और आपको लगे कि नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने फिर इसमें पानी भी मिलाया है, उसको ऐसे ऐसे पतला हुआ जूस चाहिए, 2-3 लीटर पानी, जैसे हमको अच्छा लगता है वैसे मिला सकते हैं अंदर। तो गाइस देखो, ऐसे छानना है इसको, बहुत ही टेस्टी है। सजाने के लिए मैंने मिर्ची और नमक दोनों साथ में मिक्स किया है, और फिर तो गाइस देखो, मैंने नमक और मिर्ची का भुक्का मिक्स कर दिया है, उसको ग्लास के ऊपर लगा, और एक नींबू लेना है और ऐसे कोटिंग पे लगाना ग्लास के ऊपर। और फिर देखो गाइस, ऐसे करना है ग्लास को देखो, और फिर इसके अंदर डालना है जूस। आप देख सकते हो कितना अच्छा है, दिखने में भी बहुत टेस्टी है, पीने में भी बहुत टेस्टी है। देखो गाइस, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें गाइस। सो गाइस देखो, फाइनली जूस बन के तैयार है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपका बहुत सारा प्यार और मुझे सपोर्ट करें। और रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है।